विपिन और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे। उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़े फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली था और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था, सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थीं। विपिन और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी जहां एक और फोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहें तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और विपिन कमरे में जाकर फिर कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे विपिन की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए विपिन की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है विपिन, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सर पर दौड़ लगाई। वह दोनों तेज़ी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वे दोनों काफ़ी डर चुके थे, कुछ भी करके बस उन्हें दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुँचने के बाद दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। वह दोनों उस भूतवा हवेली में कैद हो चुके थे। विपिन और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक दिया। चारों तरफ शमशान सा सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फ़ोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की शैतानी मुस्कान वाली तस्वीर थी, और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूल रहा था। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घीघी बैठ गई। विपिन बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तो मिताली और विपिन को एक दूसरे के सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी, और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई, और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और नए मेहमान का इंतज़ार करने लगे। तो दोस्तों, ये थी विपिन और मिताली की दर्द भरी मौत की कहानी।